उत्तराखंड से भी बड़ी खबर मिल रही है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कार्यक्रम आज लगभग तय है। उन कुछ कार्यक्रमों में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन के चतुर्थ तल का वह लोकार्पण करेंगे। आपको बता दें कि ये सभागार है जिसमें 11 बजे के तकरीबन ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक है और 1 बजे ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण आयोग की बैठक है। 6 बजे भूस्खलन के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं मुख्यमंत्री धामी। आपको बता दें कि काफी अहम है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भवन में चतुर्थ तल पर ये सभा रखी गई है। 11 बजे ग्राम्य विकास समीक्षा की और 1 बजे ग्राम्य विकास एवं पलायन निवारण, जो कि लगातार पलायन देखने को मिल रहा है। हमने हाल ही में हरिद्वार में भी सुना कि हरिद्वार में भी पलायन की स्थिति बन रही है। जाहिर है कि इसके निवारण के लिए अधिकारियों के साथ बैठक की जाएगी, क्या कुछ प्लान तैयार किए जाएंगे, किस वजह से पलायन हो रहा है, क्या कारण है, उन पर विस्तार से चर्चा होगी अधिकारियों के साथ। 6 बजे के करीब भूस्खलन, जो कि हल्द्वानी में लगातार देखने को मिल रहा है, कई जोशीमठ में लगातार देखने को मिल रहा है, कई ऐसी जगह जहां पर इस प्रकार के भूस्खलन देखने को मिल रहे हैं। अभी हाल ही में सबसे लंबी रोप वे भी बंद कर दी गई है, तो उस संबंध में क्या उपाय हो सकते हैं, ये अधिकारी भी होंगे, इंजीनियर भी होंगे और जो लोग वहां पर इस एरिया में हैं तो उनकी जिंदगी भी खतरे में, जाहिर सी बात है, उन्हें कहां पर पलायन करके शिफ्ट किया जाए जिससे कोई जनहानि ना हो, ये भी इन तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। और हमारे साथ जुड़ गए हैं ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता। अवनीश जी, जिस तरह से आज पूरे दिन के कार्यक्रम हैं, सबसे अहम कार्यक्रम कौन कौन से हैं और इन बैठकों में क्या कुछ चर्चा होने वाली है? लेकिन देखो, अगर बात करें यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर जो है पुष्कर सिंह धामी है लगातार जो है मॉनिटरिंग कर रहे हैं, हर मामले पर जो है दिशा निर्देश दे रहे हैं। आज जो है कुछ ही देर में जो है यहाँ पर ग्राम्य विकास की जो है एक समीक्षा बैठक होनी है, उसके बाद पलायन निवारण की जो है अहम बैठक है, तो उस पर यहाँ पर जरूर चर्चा होगी। और 6 बजे के करीब जो आपदा प्रबंधन है उसकी बैठक लेंगे, किस तरीके से जो जोशीमठ में भूस्खलन हो रहा है तो कहाँ कहाँ उनको जो है यहाँ पे विस्थापित करना है, ये तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। जी अवनीश जी, जिस तरह से आज के पूरे दिन के जो प्रोग्राम है, जैसे कि आपने जोशीमठ का जो जिक्र किया कि वहां पर एक लंबी रोप भी बंद होगी, लगातार धस रहे हैं क्षेत्र, तो वहां पर जो लोग उस क्षेत्र में आते हैं उन्हें उनके पलायन करने की या फिर उनके विस्थापित करने की, दूसरी जगह बसाने की क्या कुछ रणनीति अब तक बनाई गई है सीएम धामी के द्वारा? देखिए, यहाँ पे अगर कल की बात करें, कल जिस तरीके से गए हैं और भूस्खलन को लेकर जाम कर दिया था लोगों ने, वहाँ पे रास्ता जाम कर दिया था, आक्रोश था लोगों में, उनका कहना था जो एनटीसीपीसी है जो उसके बाद द्वारा जो है बारूद के से सुरंगें खोदी जा रही है, वो तमाम चीजों को लेकर आरोप प्रत्यारोप चलता रहा, उसको लेकर पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा एक टीम भी गठित की थी जो वहाँ के लोगों से जो है उन्होंने वार्ता की है, उनके पुनर्स्थापन की जो है बात की है, और अभी जो जिस तरीके की बात करें स्कूलों में गुरुद्वारों में जहाँ जगह मिल रही है उनको विस्थापित किया जा रहा है और हर संभव जो है सहायता की जा रही है। उसके लिए बाकायदा जो है एक कंपनी को जो मकान है वो बनाने की भी यहाँ पे जो है उनको दिशा निर्देश दिए गए हैं। तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया अवनीश जी। तो ये थे हमारे साथ ब्यूरो चीफ देहरादून से अवनीश गुप्ता। और अवनीश जी ने जो जानकारी दी है वो जाहिर सी बात है कि आज तमाम बैठकें रहेंगी, जो कार्यक्रम है 6 बजे भी है, 1 बजे भी कार्यक्रम है, सुबह 11 बजे भी कार्यक्रम है। सीएम धामी आज तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और जो प्रदेश के हालात हैं जहाँ इस तरह के ग्राम्य विकास पलायन हो निवारण के लिए या फिर भूस्खलन जैसी समस्या हो, लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तमाम मुद्दों को लेकर अधिकारी और इंजीनियर और प्रशासनिक अमले से चर्चा करेंगे।